सो हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, जीबी व्हाट्सएप में आप किसी भी बंदे के प्रोफाइल पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो एक आई बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस आई बटन के अंदर क्या क्या सेटिंग्स दिया गया है और क्या क्या जो है उन सेटिंग्स का यूज है और आपको कैसे यूज करना है, तो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने वीडियो में लास्ट तक। बट उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। सो गाइस चलिए अपना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि जीबी व्हाट्सएप में ये आई बटन दिया गया है, इस वाले आई बटन का खुफिया राज क्या है। तो चलिए देन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद अगर अभी तक आप लोगों ने जीबी व्हाट्सएप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वीडियो देखो मेरे और वीडियो देख कर जो है ऑलरेडी जीबी व्हाट्सएप को डाउनलोड करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने जीबी व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करना है। आप अपने जीबी व्हाट्सएप जैसे यहाँ से ओपन करो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद आप किसी भी बंदे को जैसे प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक कर दी, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आई बटन आपको देखने को मिलता है। तो इस आई बटन का खुफिया राज क्या है, तो सबसे पहले क्या करना, इस वाले आई बटन पर आपको क्लिक यहाँ कर देना। जैसे आप क्लिक कर दो कुछ इस तरीके से आपको सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको इस इंटरफेस वाले को ऊपर के साइड यहाँ पे स्वाइप अप कर देना। आप जैसे स्वाइप अप करोगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कस्टम प्राइवेसी का ऑप्शन। आपको इस कस्टम प्राइवेसी वाले ऑप्शन को यहाँ से आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक कर दो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है सेटिंग खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख दो हाइड ब्लू टिक और यहाँ पे हाइड सेकेंड टिक और यहाँ पे हाइड ब्लू माइक्रोफोन और यहाँ पे हाइड टाइपिंग एंड रिकॉर्डिंग और यहाँ पे हाइड व्यू स्टेटस और यहाँ पे एंटी डिलीट मैसेज। यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स देखने को मिलता है। तो इन सेटिंग्स का क्या मतलब है, जैसे कि या इस पर जो है डबल यहाँ पे टिक कर देते हो, जैसे इस पर टिक कर दिया मैं, तो इसका मतलब हो गया कि हाइड ब्लू टिक यानी कि कोई भी बंदा आपको मैसेज भेजता है और उस वाले मैसेज को आप जो है सीन कर लेते हो तो उसके जो है सिंगल ही जो है ब्लू टिक नहीं लगेगा, यानी कि डबल टिक लग जाएगा उसके जो है फ़ोन में ब्लू टिक शो नहीं होगा, ये इसका मतलब हो गया। और यहाँ पे दूसरे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा हाई सेकेंड टिक, यानी कि आप इस वाले सेटिंग को जैसे यहां से इनेबल कर देते हो तो इससे क्या होगा, अगला बंदा आपको मैसेज भेजेगा और उस मैसेज को आप रीड भी कर लोगे तो उसके फोन में जो है कुछ इस तरीके से सिंगल ही टिक लगा रहेगा, यानी कि डबल टिक नहीं लगा रहेगा, तो इसका मतलब हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइड ब्लू माइक्रोफोन, यानी कि इस वाले ऑप्शन को आप जैसे इनेबल कर दो, इनेबल जैसे मैं कर दिया, करने के बाद क्या है आप जो है माइक्रोफोन वाला मैसेज भेजते हो तो वहाँ पर जो है ऊपर के अंदर शो करने लगता है कि ये बंदा जो है बोल के कुछ भेज रहा है, तो ये वाला जो है हाइड हो जाएगा, उसके फ़ोन के अंदर नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड टाइपिंग एंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप टाइपिंग जो है करते हो तो ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाएगा कि ये बंदा जो है टाइपिंग करके कुछ भी भेज रहा है, तो ये इस वाले ऑप्शन का आप जैसे इनेबल यहाँ से कर देते हो ना तो इससे क्या होगा कि ब्लू टिक जो है टाइपिंग जो है यहाँ से हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने लगेगा हाइड व्यू स्टेटस, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको जैसे इनेबल यहाँ से कर दो तो क्या होगा, ये बंदा जो है स्टेटस लगाएगा और आप उस वाले स्टेटस को सीन भी कर लोगे तो इसे जो है पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटी डिलीट मैसेज का ऑप्शन, तो आपको इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ से टिक कर देना। आप जैसे टिक कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो कि ये बंदा जो है मैसेज भेजेगा आपको तो उस मैसेज को डिलीट भी कर देगा भेज कर, और आप चाहते हो कि अपने फ़ोन में देखना तो वो वाला आप इसको डबल टिक कर देते हो यहाँ से टिक, तो जो है आपको फ़ोन में जो है डिलीट नहीं होगा, उसके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा और आपके फ़ोन में आएगा, तो आप देख सकते हो कि क्या इसने मैसेज भेजा था पहले से। उसके बाद ये इतना सारा सेटिंग ऑन करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक। जैसे मैं कर दिया ओके ऑप्शन पर क्लिक, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने लगेगा हाइड, यहाँ पर हाइड कॉन्टेक्ट नेम, यानी कि जैसे मैं इस वाले को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, हाइड कॉन्टेक्ट नेम कर दिया, यहाँ से बैक आया और यहाँ पे इसके अंदर चैट के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ से इसके चैट के अंदर आ गया तो हम देख दो यहाँ से जो कि नाम ही गायब हो चुका है, यहाँ से अभी अजीत टॉप लिखा रहता है, यहाँ से देख दो अभी नाम जो कि यहाँ से गायब हो चुका है, तो इसका मतलब ये, तो आपको फिर से आई बटन वाले ऑप्शन पर आ जाना यहाँ से और इस वाले ऑप्शन को जो है यहाँ से जो है कर देना है हाइड कॉन्टेक्ट नेम, हाइड कॉन्टेक्ट नेम ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखने लगेगा सिक्योरिटी, आपको इसको ऑन यहाँ से कर लेना है, अभी मेरा ऑफ है तो इसे जो है सिक्योरिटी जो है आप लगा सकते हो, यानी कि अपने जो है इस वाले चैट के अंदर लॉक लगा सकते हो, पैटर्न या पिन लगा सकते हो, मेरे फ़ोन के अंदर अभी फिंगरप्रिंट नहीं है तो मैं फिंगरप्रिंट नहीं लगा सकते, यानी कि आप चाहते हो जैसे कि यहाँ पे देख दो मैं इस वाले बंदे के चैट पे जैसे क्लिक करूँगा तो इसका चैट जो है यहाँ से जो है ओपन हो जा रहा है, तो आप चाहते हो इस वाले चैट पे जैसे ओपन ना हो यहाँ पे लॉक मांगे तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी आप यहाँ से लगा सकते हो, पैटर्न या पिन देके सिक्योरिटी लगा सकते हो, इसका मतलब हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नो कॉल का
का एक ऑप्शन, यानी कि ये बंदा जो है आपको बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है वीडियो कॉल, और आप चाहते हो कि ये बंदा मुझे फ़ोन ना कर पाए, तो आप इस सेटिंग को यहाँ से ज़रूर से इनेबल कर लेना, इनेबल कर लेना है कुछ इस तरीके से, तो ये बंदा जो है मुझे बार बार जो है कॉल ही नहीं कर पाएगा, तो उसका ये मतलब हो गया। उसके बाद इसको आपको छोड़ देना है। एंड आपको यहाँ पर देखो लिखा ये मीडिया ऑटो डाउनलोड का एक ऑप्शन, मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बंदा जो फोटो आपको भेजता है या वीडियो, वो आप ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड होकर गैलरी में चला जाता है। तो इस सेटिंग को यहाँ से आप जो है ऑफ कर सकते हो, यदि मेरा ऑन है तो आप इसे जो है ऑफ यहाँ से कर दोगे, तो आपका जो है कोई भी ये बंदा जो है आपको भेजेगा वीडियो, फोटो, ऑडियो कुछ भी भेजेगा, तो यहाँ से जो है डाउनलोड होके गैलरी में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, इसको आपको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अभी ऑन करता हूँ क्योंकि ये बंदा जो है कुछ भी मुझे भेजेगा तो जो है डाउनलोड हो जाएगा। देख तो अभी ऑन करके मैं यहाँ से ऑफ करूँगा, तब देख तो सारा का सारा जो है ठीक है मेरा, कुछ भी भेजेगा तो ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड होकर गैलरी में चला जाएगा। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो लिखा म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इसका मतलब क्या है कि ये बंदा जो है मैसेज आपको बार बार कर रहा है, तो आप चाहते हो नोटिफिकेशन आए तो यहाँ से आपको जो है नोटिफिकेशन जो है म्यूट कर सकते हो। यहाँ पे एक हफ्ते के लिए कर सकते हो, और यहाँ पे 8 घंटे के लिए कर सकते हो, और यहाँ पे ऑलवेज कर सकते हो। इसका मतलब ये है, तो आप जो है मैं 8 घंटे के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, तो 8 घंटे तक जो है ये मुझे मैसेज भेजेगा तो नोटिफिकेशन में नहीं आएगा, म्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कस्टम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब है यानी कि आप इस पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप जो है रिंगटोन लगा सकते हो नोटिफिकेशन में, क्योंकि ये बंदा जो है कुछ भी मैसेज भेजेगा तो नोटिफिकेशन में जो है रिंगटोन बजेगा। इसका मतलब ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मीडिया विजिबिलिटी, आपको इस मीडिया विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे क्लिक करते हो तो क्या होगा, कोई भी ये बंदा जो है आपको फोटो भेजता है बार बार, तो आप जो चाहते हो कि गैलरी में डाउनलोड होकर अपने आप ना जाए, तो यहाँ से यस और नो कर सकते हो। और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ, यानी कि यस ये जो है बंदा मुझे कुछ भी भेजेगा तो ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड होकर गैलरी में नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से यस कर रखा हूँ। नो करूँगा तो जो है कि मेरा डाउनलोड होकर जाने लगा था, मेरा यस है, तो यहाँ से आपको कर देना। उसके बाद यहाँ से आप जो है इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो लिखा डिस्प्लेइंग मैसेज का ऑप्शन, तो आपको इसके क्या ना डिस्प्लेइंग मैसेज वाला ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करते हो तो इसका मतलब क्या है, आप चाहते हो कि कुछ भी मैं इससे बात करूँ चैट वगैरह, और वो जो है 24 घंटे के अंदर जो है डिलीट हो जाए मेरे फ़ोन से भी और उसके फ़ोन से भी। यहाँ पे देखो 24 घंटा 7 दिन और 90 दिन, और यहाँ से ऑफ आप कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि ये बंदा मैसेज भेजेगा तो वह 24 घंटे के अंदर जो है डिलीट हो जाए, तो इसका मतलब ये है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोनों मिल जाएगा आपको चैट लॉक का ऑप्शन, आप जो है चैट पे लॉक लगाना चाहते हो फिंगरप्रिंट, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। अभी मेरे फ़ोन में जो है फिंगरप्रिंट नहीं है, तो ये अभी मेरा जो है स्कैन नहीं करेगा। यहाँ पे दोस्तों फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो फिंगरप्रिंट नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ। तो इसका मतलब हो गया गाइस, तो यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकते हो और यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आई बटन का खुफिया राज आपको पता चल गया। तो वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट लिया। मिलते अगले वीडियो में एक और नया ट्रिक ले गाइस, तब तक के लिए बाय।